नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज हम बताने जा रहे हैं कि निकिता की हत्या और हरियाणा में सीरिया का काम चल रहा है सीरिया वाले द्वारा। तो हरियाणा में बहुत हिंदू को धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया जा रहा है। तो मैं बताने जा रहा हूँ, धर्म परिवर्तन करके शादी करने से इनकार करने पर निकिता की तौसीफ से सरेआम हत्या कर दी। क्या आपको पता है कि दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर हरियाणा के मेवात में पाकिस्तानी और सीरिया वाली सोच काम कर रही है, जोर जबरदस्ती से हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किए जा रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट के जरिए उन 5 सबूतों के बारे में बताते हैं। इन 5 सबूतों को पढ़कर आप भी दहल उठेंगे। आतंकियों को शरण देने के लिए मेवात बदनाम है, क्योंकि मेवात बन रहा है लव जिहाद का अड्डा, काला इतिहास और अपराधियों के लिए जन्नत। नई दिल्ली, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा कर शादी करने से इनकार करने पर निकिता की सरेआम तौसीफ ने हत्या कर दी। हत्या करके दोषी मेवात में छिप गए थे, लेकिन मेवात में लव जिहाद का ये पहला मामला नहीं है। मेवात को जहालत का जहन्नुम कहना गलत नहीं होगा। आपको इसके 5 सबूत बताते हैं। सबूत नंबर 1, लव जिहाद का अड्डा दिल्ली के कुछ किलोमीटर दूर हरियाणा के मेवात में पाकिस्तानी करतूत की जा रही है। जिहादी सोच बेटियों की जिंदगी को तबाह कर रही है और पार्टियां चुप है। जब निकिता तोमर की हत्या हुई तो कई सच सामने आ गए। निकिता तोमर ने मजहबी बुरखा पहनने और निकाह करने का विरोध किया तो हत्या कर दी गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी दलित लड़कियों को अगवा कर धर्म परिवर्तन करके निकाह किया गया। मेवात लव जिहाद का एक बड़ा अड्डा है, जहां जबरन हिंदू लड़कियों को किडनैप करके निकाह कर दिया जाता। ऐसी ही कहानी 19 साल की मेवात की है और एक दलित लड़कियों की भी है, जिसे 11 सितंबर को अगवा करके धर्म परिवर्तन कराकर जबरदस्ती निकाह कर दिया गया। लड़की का नाम बदलकर वर्षा से वारिस कर दिया गया। लड़की के पिता सुरेश का आरोप है कि 11 सितंबर 2020 के 3 लड़के रियाज खान, अनीश तलाह खान बेटी को जबरदस्ती अपने हाथ साथ ले गए और पानीपत ले जाकर निकाह कर लिया गया। अपनी बेटी को लाने के लिए पूरे परिवार ने एड़ी चोटी एक कर दी, लेकिन जिन्होंने अपनी बेटी को वापस नहीं ला पाए। सुरेश ने गांव के में पंचायत भी की थी। पंचायत में सीरियाज के घर वालों ने लड़की के निकाह की बात कबूली, लेकिन लड़की को वापस करने की मना कर दिया। इस मामले को पुनः से केस दर्ज किया गया और इसका FIR नंबर 350 है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार इंसाफ की लगातार गुहार लगा रही है। जिहादियों को सजा और बेटियों को इंसाफ कब? मेवात को पाकिस्तान बनाने वाले आरोपी को कब मिलेगा सजा और बेटियों को कब इंसाफ मिलेगा? ये वाकई बड़ा सवाल है। मेवात इलाके में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसलिए हिंदुओं की बेटियां के साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वर्षा के परिवार को लगातार केस वापस लेने के लिए भी धमकियां दी जा रही है। मेवात में 80% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम है। देश के मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों में से एक है। सवाल ये है कि हरियाणा में पाकिस्तान और सीरिया वाली सोच कैसे काम कर सकती है। सवाल ये है कि देश की बेटियां को साथ ऐसा अत्याचार कब तक होता है रहेगा और देश की पार्टियां धर्म के नाम पर कब तक राजनीति करते रहेगी। सबूत नंबर 2, अपराधियों की जन्नत निकिता को या वर्षा, दोनों ही मामले में मेवात का जिक्र आया है, इसलिए इसको आज मेवात के बारे में जानना चाहिए। मेवात को अपराधियों की जन्नत कहा जाए
तो भी ये गलत नहीं होगा। मेवात गैंग के नाम से कई गिरोह सक्रिय है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी में कई वारदात इन गिरोह की भूमिका पाई जाती है। आतंकियों को शरण देने के लिए मेवात बदनाम है। लूटपाट, डकैत, अपहरण, हत्या में मेवात पहचान बिगड़ती है। मतलब साफ है कि मेवात अपराधियों की जन्नत है। सबूत नंबर 3, गौ तस्करी का बाढ़ में मावेशियों का तस्करी के लिए मेवात के कुख्यात अपराधियों की सच्चाई सामने आती रही है। गौ तस्करी से जुड़े सैकड़ों मामले मेवात के सामने आ चुकी है। समझाना मुश्किल नहीं है, 80% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम वाले मेवात में इन जिहादियों का असल करतूत किस काम से अंजाम दे रहा है। सबूत नंबर 4, मेवात का काला इतिहास। अब आपको मेवात का इतिहास बताते हैं कि यहाँ 80% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमाएं जुड़ी है। इस जगह में तबलीगी जमानत विचारधारा की जन्म स्थली कहा जाता है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इस्लाम का प्रभाव देखा गया, जब बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ। धर्म परिवर्तन में मुस्लिम बने राजपूत में वह कहलाए थे, इसलिए इसे मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों में से एक है। सबूत नंबर 5, अज्ञानता विवश के कारण मेवात के इस काले इतिहास को कट्टर सोच की बड़ी वजह उनकी अज्ञानता भी है। वर्ष 2018 के आंकड़ों से माने कि मेवात देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है, यानी यह सिर्फ कट्टरपंथियों की सोच को बढ़ावा दिया जाता है, ना कि शिक्षा को। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार मेवात की साक्षरता दर 56% है। ये समझना काफ़ी आसान है कि अज्ञानता ही विनाश का कारण होता है। मेवात में बसे कट्टरपंथियों की ये करतूत उन्हें सिर्फ विनाश की ओर धकेल रही है। इन 5 सबूतों से ये समझा जा सकता है कि किस तरह समाज के दीमक रूपी कट्टरपंथियों ने जिहाद को अपना मिशन बना लिया है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि ऐसा सोच का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए, क्योंकि आज निकिता और वर्षा के साथ खुलेआम ऐसे खेल अंजाम दिया जा रहा है। बाद में और किसी की बेटी माता का अपहरण किया जाएगा। इसलिए अब समय है, जागो भारतवासी, जागो।